हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम आपको 13.2 पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे। पिछली उसमें हमने आपको 13.2 पर्सनालिटी के 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। आज हम आगे की क्वेश्चन करवाते हैं। इसमें दिया हुआ है एक बेलनाकार स्तंभ है। देखिए, इस प्रकार से कि मैं आपको बताया था कि ये बेलन इस प्रकार की आकृति होती है, दोनों सिरे उसके वृत्ताकार होते हैं। यहाँ पर ये इसकी हाइट होती है h, और यहाँ से ये जो है ये इसका व्यास होता है। अगर हम इसको आधा कर दें तो ये हमारी त्रिज्या होती है। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी बता दी थी, और ये इसकी ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है? एक व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5, बेलन का व्यास ये आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। त्रिज्या आप बढ़ाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 25 सेंटीमीटर आपकी हो गई। उसके बाद इसमें दिया हुआ है ऊंचाई। ऊंचाई जो है इसके अंदर दी हुई है 35.5 मीटर। अब ये ऊपर जो है वो सेंटीमीटर है, उसको आप मीटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मीटर बनाएंगे तो बटेंगे 100 कर देंगे, जिसको मतलब 1/4 मीटर हो गया। और ये भी 35/10 मीटर ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो हमारा होता है 2π r h। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे जो दी हुई है, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर हमारी 1/4 दी हुई है, और ये 35/10 दिया हुआ है। 7 से इसको भाग कर देंगे, 7×5=35, 5×5=5, 5×2=10, 2 से 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा ये 2, और ये हमारे पास 5.5 मीटर दिया हुआ है, 5.5 वर्ग मीटर। ये आपका क्वेश्चन यहाँ हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, 1 वर्ग मीटर पर जो है खर्च हुए, ये कितना दिया हुआ है? 1 वर्ग मीटर पर 12 रुपये 50 पैसे। तो कितना है इसमें? 5.5 वर्ग मीटर पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5.5 × 12.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 68.75 रुपये। ये इसका क्वेश्चन आंसर आ गया, ये इसमें इस प्रकार से आपने बताया, ठीक है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये 4.4 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है, ठीक है। बेलन के आधार की त्रिज्या 7, त्रिज्या दी हुई है 0.7 मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई आपकी निकालनी है, तो हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? ये दिया हुआ है 4/4, तो ये हमारा होगा 2π r h बराबर 4/4। h हमें निकालना है, तो ये 4/4 × 2 × π 22/7, तो 22 के नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर डिवाइड हो जाएगा। आर हमारी इसमें दी हुई है 0.7, तो इसका मतलब 10 को घटाएंगे तो 7/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, और 1/10 को घटाएंगे तो 10 नीचे आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और ये हमारे पास 22 × 44, 2 से 2 बढ़ जाएगा, यानी कि 1 बच गया, 1 मीटर, ये आपका आंसर, 1 मीटर आ जाएगा, ये आंसर आपका।
ठीक है, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर व्यास दिया हुआ है, वक्र पर क्षेत्रफल आपको निकालना है, उसके बाद फिर जो आंसर आता है उसको फिर उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये इस प्रकार दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन जो है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आसान है, इसके अंदर दिया हुआ है गर्म पानी है, उसका जो संयंत्र है उसकी ऊंचाई दे रखी है और उसका व्यास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर व्यास है, तो संयंत्र का व्यास ये उसमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करना है मीटर में, क्योंकि लंबाई मीटर में दी हुई है, इसलिए मीटर में करके 100 से भाग कर देंगे इसको, ये आपका हो गया। तो यहां पर आ जाएगा, इसको जो आप करेंगे 5 × 5 = 20, 1/20 मीटर आ जाएगा ये आपका, ठीक है। और ऊंचाई जो है वो आपकी क्या दी हुई है, वो मीटर में दी हुई है, तो यहां पर पहले व्यास है, पहले त्रिज्या भी दे देंगे ना, त्रिज्या भी आप करेंगे, तो इसको फिर 1/2 और 1/20 = 40 मीटर आ गया, ये आपकी त्रिज्या ऊंचाई, ऊंचाई जो है वो आपकी दी हुई है 28 मीटर, 28 मीटर दी हुई है, और इसमें जो पानी भरने की जो है उसका क्षेत्रफल बताना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो आप इसमें दिया हुआ है 2πrh, 2×22/7 × r, r है 1/40 × 28, ये इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर देंगे 7 × 28, 4 × 10, ये 2 × 5, 2×5 = 10, अब इसको करेंगे 5 × 20 = 5, 4.4 मीटर, ये वर्ग मीटर, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसमें इस प्रकार से दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका निकालना है उसके अंदर, और उसमें एक में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले टंकी का व्यास ये दिया हुआ है 4.2 मीटर, ठीक है, त्रिज्या ये दी हुई है, इसको 2 से भाग कर देंगे और ये हो गया 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दे गया, इसको 10 हटाओगे तो 21/10 हो गया, और उसके बाद उसकी ऊंचाई दे रखी है, क्या दे रखी है ऊंचाई, ये आपको दी हुई है 4.5 मीटर, यानी कि 45/10 मीटर, ये दी हुई है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपने निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है, आप इसमें करके गुणा करेंगे, यह 2πrh होता है, 2×22/7 × r, r है 21/10 × 45/10, ठीक है, 7×21, ठीक है, इसको आप गुणा करेंगे तो 5×45, 5×10, और ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसको आप गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 594 है,
बटे में 10, इसको दशमलव लगेंगे तो 59.4 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका एक सेकंड पार्ट भी देखिए, वो क्या दिया हुआ है, उसके अंदर बताया गया है संपूर्ण प्रश्न कुछ है, टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमारा होता है 2πr r + h, ये तो होता है, इसमें आप वैल्यू रख देंगे तो यहां पर 2 22/7 × 21/10 और ब्रैकेट में 21/10 × 45/10, ये इसमें रख दिया। इनका जब आप करेंगे तो 2 × 22/7 × 21/10 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो गया 66/10 और इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 7 × 21, ठीक है, 2 से इसको रहने देते हैं डिवाइड, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8712 और बटे में 100 आ जाएगा, तो ये हो गया 87.12 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि इस्पात कितना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे माना इस्पात बराबर है एक्स, और ये टोटल है, नष्ट कितना हुआ है, नष्ट जो हुआ है वो होगा एक्स 12, इसका 12% हुआ है, तो यानी कि एक्स बटा 12 ये दिया हुआ है। ठीक है, और अब आगे क्या निकालना है, देखिए ये इसमें से आप माइनस करेंगे तो एक्स, ठीक है, इस बात की जो आवश्यकता है, आवश्यक इस बात जो हुआ है उसकी जरूरत है, तो यहां पर हो गया एक्स और एक्स बटा 12 बराबर कितना दिया हुआ है 87.12, इसको हम करेंगे तो ये हो गया 12x − x/12 बराबर है 87.12, ये हो गया 11x/12 बराबर है 87.12, ये क्वेश्चन हो गया। इसको आप वो कर दीजिए, ये हमारे पास हो गया 11x और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 87.12, ठीक है, और गुणा में 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये आपका x बराबर कितना हो गया 87.12 × 12/11, अब इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करके वो कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 4.04 वर्ग मीटर। इस इतना इस बात की जो है हमें आवश्यकता है, इतने इस बात की हमें आवश्यकता है, ठीक है, ये इसके अंदर दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज किया हुआ है इस क्वेश्चन को, इसके अंदर कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है उसके अंदर 2.5 इसके ऊपर अलग से मोड़ने की जो व्यवस्था है वो दी गई है, तो आपने इसकी जो ऊंचाई है उसके अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर टेन में क्या करना है, व्यास कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ये हो गया त्रिज्या हमारा हो गया 20/2 बराबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गया, और उसके बाद में ऊंचाई जो है वो हमारी इसमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि जो ऊंचाई है वो यहां दी हुई है, लेकिन इसके बाद इसका गत्ता जो है
मोड़ा गया है वो 2.5 ओम दिया हुआ है, तो इसका मतलब तो कुल ऊंचाई कितनी हो गई? आवश्यक गत्ता
तो 35 से इसको गुणा कर देंगे, बटे के साथ 7 × 5 = 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे आ गया 7920 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा टोटल, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसके साथ एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है। सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक यू, हैव नाइस डे एंड बाय।